उसमें गुण ही नहीं, जन सेवक होने के उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं। कुल मिलान आप रहे साहब थोबर महीने हमेशा हट बीजेपी भारी रहे, बीजेपी रो घट रही है, आगे भी बीजेपी रो ही रहला। इन बार बैरजी रो भारी बहुमत हो, बैरजी जीते ला इन बार। आप गाँव में दिव्य जी ने वोट कितना मिले पहले? दिव्य जी ने मिले वाले 150-200 वोट मिले बता लगभग 150-200 मिले जन बताप विकास की उम्मीद है। ऐसा नहीं है चुनने के बाद में बार में थोप गाँव रो महीने बस स्टैंड मात खड़ो हूँ जटे खूब लोग उबा है और थोबर महीने जनता ज्यादातर किसी पार्टी साथ रहे, थोब ओशियान महीने पड़े और ओशियान सीट बहुत हॉट सीट बन चुकी है राजस्थान रे महीने। एक तरफ दिव्या मदेना है तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक भराराम जी श्योल बीजेपी पार्टी मैदान रे महीने है। कई माहौल चुनाव कई गणित चल रही है माहौल अच्छा है सा अटे थोब तो करीब करीब परंपरागत बीजेपी रा वोटर है और लगभग लगभग समझो आप गांव री जगह परिस्थिति है 2200-2300 वोटर है टोटल थोप गांव में 2400 हमार नया जुड़िया 200 नया जुड़िया पहला 2200 हा तो 2400 वोटों में समझ तो लगभग लगभग 2000 वोट बीजेपी जावना चाहिए। 2000 बीजेपी हमेशा ही गणित आई बैठे हमेशा ही गणित है छुटपुट कुछ वोट मिला लगभग लगभग ज्यादा में ज्यादा वोट अट गया तो थोप गांव रहा मतलब कांग्रेस ने 200 लगभग जो अगर 2018 बात करें 2018 में आई स्थिति थी 250 वोट गया था महेंद्र सिंह के टाइम में भी 250-300 वोट गया था उनटे में 300 ऊपर वोट थोप रहा नहीं था महेंद्र जी खड़ा हाथ तो भी बीजेपी नेता बीजेपी गया 300 वोट सिर्फ बार गया बाकी सब वोट हाँ 350 गया महेंद्र जी बाकी लेकिन लोग तो आके कहे नहीं कि महेंद्र सिंह जी खड़ा हुआ जहाँ बीजेपी रे वोट आ जाएगा महेंद्र बीजेपी रेज गया और किया गया ज्यादातर बीजेपी रेज गया महेंद्र सिंह ने 350 वोट गया था लगभग 300-350 गया जो वो बीजेपी रेज गया दूसरा कोई नहीं। आपने अब कल ओशियन ऑल ओवर मामलों की कर लागे हवा की कर चल रही है कर्ण कई माल तो अबार तो एट परसेंट तो पदरो सियोल साबरो भारी है भारी उनो कारण कहीं है कारण है देखो सा सियोल साबर एक तो सहानुभूति और एक अच्छा आदमी है नेक आदमी है और जनता रा अच्छा सेवक और लाली बार भी बहुत अच्छो विकास करियो मतलब विकास विकास रे वजह में सियोल साहब आवेला मैं मार्केट में कई वीडियो लेता रहा जो लोग टिकट टिप्पणी बहुत करे पहर जी आदमी है जगह दिव्या मदेना लेन कहता रहे दिव्या मदेना ने आदमी जगह मदेना तो यूं है कि उन्हें तो अति घमंड है घमंड यानी मतलब वो 16वीं विधानसभा रो घमंड मारे दादा रो घमंड मारे पिताजी रो घमंड तो घमंड किस चीज का घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा हाँ लोकतंत्र में घमंड नहीं चलता जितना नरम होंगे उतना ही चलते और नहीं, तो दिव्या जी मदेना और बहरजी दोनों अगर बात करा जमीन आसमान फर्क जमीन आसमान दिव्या जी मदेना वो जनसेवक कुछ नहीं जनसेवक हो ही नहीं सकती हमारे गांव में तो एक पत्ते ईंट भी नहीं रखाई एक ईंट का टुकड़ा भी रख दिया हो कहीं फेंका हो उसने तो बता दिया करके एक धोप में मैंने ईंट का एक टुकड़ा यहाँ कहीं लगाया चालू ही नहीं करी आया ही नहीं कर चालू नहीं करो कारण कारण वोट नहीं करे पार्टी पक्ष करे आपरे गांव में दिव्या जी ने वोट कितना मिले पहले दिव्या जी ने मिले वाले 150-200 वोट मिले बता लगभग 150-200 मिले जना बताप विकास की उम्मीद है। ऐसा नहीं है चुनने के बाद में तो वोट वोट ही राजनीति नहीं है जनप्रतिनिधि जब चुन लिया गया है तो वो लेकिन हो सके गांव के लोग मिल नहीं सकती क्या वही क्योंकि वोट ही नहीं दिया है बात ही को करे नहीं है कई बात करे बात औजार दे बात करे तो वो तो बात ही नहीं करती सीधे मुंह तो बात करने लायक भी नहीं उसमें मतलब कोई नेता होने के गुण ही नहीं है उसमें उसमें गुण ही नहीं है जनसेवक होने के उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं कुल मिलान आप रहे साहब थोबर महीने हमेशा हट बीजेपी भारी रहे बीजेपी रो घट रही है आगे भी बीजेपी रो ही रहला इन बार बैरजी रो भारी बहुमत हो बैरजी जीते ला इन बार ओसिया में हवा चेंज है पूरी बैरजी रे फेवर में है और ओल राजस्थान में भी बीजेपी आवे ओसिया में आवेला आप मानना है कि राजस्थान में सरकार बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल तय है तय ये हमने ये गुड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतलब खुद ने एक्सेप्ट कर लिए कि बीजेपी सरकार आएगी तो हमारी कुछ योजनाएं चेंज कर देगी तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी योजनाएं चेंज नहीं करें उसका जवाब मोदी जी ने एक मीटिंग में दिया है कि हाँ हम कोई योजनाएं चेंज नहीं करेंगे और अशोक जी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मोदी जी ने जवाब दिया है तो अशोक जी ने तो उल्टा कहा है कि मेरी योजना को मोदी जी ने सराहा नहीं है जो भी योजनाएं लागू है सरकार ने लागू की सराहना क्या है कोई भी सरकार लागू करे तो बीजेपी की ये नीति नहीं रही है बीजेपी की नीति नहीं रही है कि पिछली सरकार ने जो निर्णय लिए उसको पलटे ये कांग्रेस की नीति रही है
उन्होंने ओसिया में इन बार भारतीय जनता पार्टी टिकट लेन आई बेनो पहली बड़ी भारी गणित बैठी खूब लोग टिकट दावेदारी में हाथ हो गई यूं ऐसा कि ओसिया मतलब हमें गर्व है ना हमारे पास इतने सारे नेता हैं जो आज दावेदारी के लिए खड़े हैं। हाँ ये हमें गर्व है कि हमारे पास 6-7 ऐसे कैंडिडेट थे जो आज विधानसभा में मतलब MLA की रेस में थे। आप